आज हम घर की रसोई में बनाते हैं गुलकंद नारियल लड्डू। अब तो त्योहारों की लाइन लगी है, आप इसे किसी भी त्यौहार पर बना सकते हो। इसको बनाना बहुत ही सरल तरीका हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है, आप जब मन चाहे तब इसे बना सकते हो। आइए इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत होगी। एक कप मावा है खोआ और एक कप नारियल का बुरादा, दो बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी और दो बड़े चम्मच गुलकंद, थोड़े से ड्राई फ्रूट हमें चाहिए, एक चम्मच पिस्ता, एक चम्मच बादाम, एक चम्मच काजू। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लिया है। और हमें फूड कलर चाहिए, हमने पिंक फूड कलर लिया है। और दो बड़े चम्मच नारियल का बुरादा हमने अलग से लिया है। अब एक पैन रखेंगे, उसमें हम डाल देंगे खोआ। गैस धीमी करके हमें इसको भूनना है। ये खोया भुना हुआ है, अगर आपका खोया भुना हुआ ना हो तो आप इसको 5 मिनट भून सकते हैं। 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। फिर इसको हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। धीमी गैस पर हम इसको चलाते जाएंगे, जिससे ये अपना पानी छोड़ेगा। और ये देखिए, चलाते हुए हमें 5 मिनट हो गए, ये थोड़ी सी गीली हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे नारियल का बुरादा और इसको हमें फिर से चलाना है। धीमी गैस पर हम इसे चलाते जाएंगे। 2 मिनट चलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 2 बड़े चम्मच दूध डाल देंगे, जिससे और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, अब इसी समय डाल देंगे 4-5 ड्रॉप फूड कलर और इसको हमें चलाते हुए भूनना है। और ये देखिए, पिंक कलर का हो चुका है। इसको हम निकाल देंगे एक प्लेट में और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ये ठंडा हो जाए। आइए अब स्टफिंग बना लेते हैं। गुलकंद, काजू, पिस्ता, बादाम, तीनों ड्राई फ्रूट को हमने गुलकंद में डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से चलाते हुए इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, क्योंकि गुलकंद ये थोड़ा सा गीला होता है। नारियल का बुरादा डालने के बाद ये थोड़ा सा सूखा हो जाएगा और फिर इसके छोटे छोटे लड्डू हम बना पाएंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं, 100 बॉल हम बना लेंगे और एक साइड रख देंगे। और नारियल के लड्डू का जो मिक्स है उसको हम अच्छे से हाथों से मल लेंगे और एक बॉल के आकार का बनाकर उसको हम हाथों में फैलाएंगे इस तरह से। अब एक बॉल लेंगे गुलकंद वाला और उसको बीच में रखते हुए चारों तरफ से उसको कवर कर देंगे और हाथों से दबाकर हमें बॉल का शेप देना है इस तरह। और हाथों से दबाते हुए लड्डू का आकार देके हम बना लेंगे लड्डू। ये देखिए, बन चुका है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। आइए एक और बनाते हैं। हाथों पे फैलाएंगे और एक स्टफिंग रखेंगे इस पर और चारों तरफ से कवर कर देंगे बिल्कुल इस तरह। ये अच्छे से कवर हो जाती है और बाइंड हो जाती है। ये देखिए, बिल्कुल आराम से हाथों से दबाकर हम इसको बंद कर देंगे और हाथों से गोल गोल दबाते हुए लड्डू का शेप देंगे। इसी तरह सारे लड्डू हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये सब बन चुका है। अब 2 चम्मच जमे हुए नारियल का बुरादा लिया था, उसमें एक एक करके इसको कोट करते जाएंगे और सारे लड्डुओं को इस तरह हम कोट कर लेंगे। देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल यम्मी। अब गुलकंद लड्डू बनाना बिल्कुल आसान है, आप भी अपने बच्चों को बनाइए और खिलाइए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।